नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरा शार्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैनेडियन सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए आज मैं इसका जो पैटर्न आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो भी हम दो तरह से बनाएंगे, मतलब उसके भी हम दो लुक क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोगों को पिछले एपिसोड में भी बता चुकी हूँ कि इसमें कपड़े पे ग्रिड बनाना बहुत ज़रूरी है। और ग्रिड बनाने के लिए आप पहले उसको पेपर पे भी बना सकते हैं, जिससे आपका कपड़ा ख़राब ना हो। जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपको कैसी बनानी है, उसके बाद ही उस हिसाब से आप कपड़े को मार्क करें। और उसके अलावा ये कपड़ा काफ़ी श्रिंक हो जाता है इस स्टिच को बनाने में, तो आप हमेशा इसका छोटा सैंपल बना के देख लें कि उसमें कपड़ा कितना श्रिंक हो रहा है, आपको क्या आइटम बनाना है, उसी हिसाब से आप उस कपड़े को लें। और कपड़े के चारों तरफ दो दो तीन तीन इंच मार्जिन ज़रूर छोड़ें, क्योंकि जब इसमें गैदर्स डलती हैं तो कपड़ा बिल्कुल ज़िगज़ैग हो जाता है, वो स्टिचिंग में पूरा दब सके, उसके लिए हमें दो तीन इंच का मार्जिन इसके चारों तरफ छोड़ना ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो स्टिच बना रहे हैं उसके लिए भी हम सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर या 1/2 इंच पर मार्क लगा लेंगे। अब ये स्टिच हम कई तरह से बना सकते हैं। इसमें हम इसका जो लुक है उसको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए या तो हम ये इस तरह एक छोड़ के ऐसे डायगनली हाईलाइट कर लें और इन पे बनाएं, या फिर आप नॉर्मल डायगनली भी बना सकते हैं। इसको आप प्लेन भी बना सकते हैं और इसमें बीड्स भी लगा सकते हैं। तो अभी हम अलग अलग दो तीन मेथड इसके सीखेंगे। पहले हम प्लेन बनाएंगे, उसके बाद हम बीट्स वाली बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये डायगनली स्टार्ट करना होता है। तो आप यहाँ से इधर भी जा सकते हैं या यहाँ से नीचे आ सकते हैं। और डायगनली चलना है तो हम निडिल को भी कपड़े में ऐसे ही एंटर करेंगे, ऐसे सीधा एंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह तिरछा निडिल को एंटर करेंगे और नीचे वाले में भी एंटर कर लेंगे। अब ये जो प्लीट्स बन गई, इसी पे हम एक स्टिच और बना लेंगे, जिससे ये खुलेगी नहीं, टाइट हो जाएगी। अब उसके बाद ये यहाँ पे हमने डायगनल लिया था तो ऊपर से एक डॉट छोड़ के नेक्स्ट वाली में यहाँ से हम इसको बनाएंगे और डायगनली इधर ले लेंगे। मतलब हम इधर डायगनली बना रहे हैं, फिर ऊपर एक डॉट छोड़ेंगे और नेक्स्ट डॉट में फिर से डायगनली बनाएंगे। बीच में हम एक एक डॉट्स छोड़ते जाएंगे। अब फिर हम इसको टाइट कर लेंगे और इस थ्रेड को हम इतना ही रखेंगे जितना कपड़ा है, ना लूज छोड़ेंगे और ना ज्यादा टाइट करेंगे। अब ये वाला छोड़ के यहां से लेंगे। ये इस तरह इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए और एक्स्ट्रा लूज भी नहीं बचना चाहिए। अब फिर ये वाली डॉट छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाली में और इसके डायगनली यहां पर। फिर ये वाला छोड़ के और नेक्स्ट में ये पीछे से इस तरह आता है। अब सेकंड लाइन हम इसके ऊपर वाली डॉट्स की दो रो में बनाएंगे। अब ये यहाँ खत्म हुआ है तो हम इसकी सीध वाला नहीं लेंगे बल्कि एक इस साइड से चलेंगे। ये आप डिफरेंट डिफरेंट अपने हिसाब से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ये वाली डॉट फिर से सुई और फिर इसके डायगनली इधर से। बीच में हमको एक भी रो छोड़नी नहीं है। अब इस लाइन पे हम चल रहे हैं तो ये बीच की एक डॉट हमने छोड़ दी, ये वाली, और इस डॉट पे आएंगे और फिर ऊपर डायगनली इधर निकालेंगे।
ये देखिए, और पीछे से ये इस तरह बनता जाएगा। ये स्टिच आपने कई जगह देखी होगी। अब इस टाइम ये जो हम बना रहे हैं ये बैक साइड से बना रहे हैं, फ्रंट ये रहता है। लेकिन यदि आप इसमें बीट्स भी लगाना चाहते हैं तो बीट्स लगाने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको पूरा बना के इसके बीच बीच में बीट्स लगा दें, ये जो स्पेस है बीच की इसमें बीट्स लगा दें। उसके अलावा हम इस साइड को भी फ्रंट कर सकते हैं। अब इसमें अभी मैं एक रो और बनाऊंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट रो से हम इसमें बीट्स लगाएंगे। अब इसमें ये कपड़ा थोड़ा तिरछा होता जा रहा है, लेकिन जब आप इसको कहीं भी यूज करेंगे तो इसको इस तरह सीधा करके ही यूज करना है, क्योंकि जब ये तिरछा रहेगा तो इसका पैटर्न जो पीछे से बन रहा है ये ऐसे लंबी लंबी धारियां आएंगी। लेकिन जब हम इसको सीधा कर देंगे तो इसका लुक बहुत सुंदर हो जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां भी जैसे भी आप इसे यूज करें तो इसको बिल्कुल सीधा करके यूज करें। देखिए कितना सुंदर पैटर्न लग रहा है ये। इस साइड से अगर इसको सीधा करना चाहते तो हम इस साइड इसमें बीट्स लगा सकते हैं। इस साइड से इसमें बीट्स लगाने के लिए हम इसको सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे हम अभी बना रहे हैं, और बिल्कुल उसी तरह यहां पे निकालेंगे और फिर एक स्टिच बनाने के बाद इसमें अब हम बीट लगाएंगे। यहां लगाने के लिए मैंने ये बड़ा वाला बीट लिया है, और फिर एक स्टिच और बना लेंगे जिससे ये बीट फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच जो बनाते हैं यहाँ से निडिल को डाल के और इसमें से निकालते हैं। ये डिस्टेंस जितना है इतने डिस्टेंस में हम ये छोटे वाले बीट्स लगा लेंगे, मतलब करीब 6-7 बीट्स हम ये छोटे वाले लगाएंगे। ये बीट्स आप ऐसे लें जिनका छेद थोड़ा बड़ा हो तो ये निडिल में आसानी से आ जाए। उसके बाद हम इसको बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे, यहां से निडल को एंटर करेंगे और इसको बना लेंगे। जो थ्रेड यहाँ पे ये खाली चमक रहा था वहां पे ये बीट्स आ गए, और फिर एक स्टिच और बनाएंगे जैसे हम हमेशा बनाते हैं, और फिर एक बीट और लगा देंगे ये बड़ा वाला, और फिर एक स्टिच और बना लेंगे जिससे ये बीट भी फिक्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टिच बनाने से पहले हम 6 बीट्स और ले लेंगे। और फिर यहाँ से निडल को ले जाएंगे और डायगनली सामने से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये जो थ्रेड चमक रहा है, थ्रेड की जगह ये बीट्स लगते जा रहे हैं, उससे इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरह हम इसे पूरे में बना लेंगे। पीछे से इसका लुक बिल्कुल सेम ही रहेगा। देखिए दोस्तों ये कितना खूबसूरत पैटर्न बन गया। बिना बीट्स के भी ये बहुत खूबसूरत है, और बीट्स के साथ तो इसकी ब्यूटी और ज्यादा बढ़ गई। पीछे से इसका लुक सेम ही है, हम बीट्स लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये फ्रंट रखना है तो बीट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये ऐसे डायगनल ना रहे बल्कि इसको बिल्कुल सीधा करके लगाएं, तभी इसका प्रॉपर लुक आएगा और ये सुंदर लगेगा। अगर आपको बीट्स वाली साइड सीधी रखनी है तो आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों कि आपको इसके दोनों में से कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगा, बीट्स वाला या बिना बीट्स का, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए पैटर्न के साथ।
तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।